अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीका, फ्रिज के जमे हुए गोश्त को आसानी से और जल्दी कम टाइम में मेल्ट करने का तरीका। तो ये हमारे पास गोश्त है, काफ़ी दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ था, काफ़ी जमा हुआ है। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में पानी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट एक चम्मच फुल भर के। पानी हमें इतना चाहिए कि हमारा जो ये मीट है वो पानी के अंदर फुल डिप हो जाए। इसको हमने डिप करके रख दिया, ऊपर से हम इसको प्लेट या किसी चीज़ के साथ कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। और ये देखिए आप जादू कि हमारा जो गोश्त है, ये जो रैपर वगैरह सब इसके अलग हो चुके हैं, मीट हमारा बिल्कुल सेपरेटली पिघल चुका है देखें, और बहुत ही आसानी के साथ जो है ना ये निकल रहा है। ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल पानी है, कोई गर्म या ठंडा या कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो है ना हमारा नल का पानी था उसके अंदर हमने नमक ऐड किया था। और देखें 5 मिनट के बाद जो है ना हमारा गोश्त बिल्कुल अलग हो चुका है। अचानक अगर घर में मेहमान आ जाएं तो फ्रीज़र हुआ गोश्त है उसको खोलना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपने इस तरह से पानी के अंदर नमक डाल के इसको ऐड करके डाल के रख देना। ओनली 5 मिनट्स के अंदर आपका जो गोश्त है वो बिल्कुल ऐसे अलग हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे कनक फूड की तमाम रेसिपीज़ को देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे। ये देखिए ये गोश्त हमारा बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी जो है ना शॉप से लेकर आए हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कनक फूड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।